सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में पांच सबसे बेस्ट लेटेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप 12-13,000 के बजट में खरीद पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस में तो ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि दिवाली की सेल भी स्टार्ट होने ही वाली है एंड ये बिल्कुल सही टाइम है एक अच्छा 5G फोन लेने का। खैर, कुछ फोन तो ऐसे है कि जो 15,000 के बजट में मिलते हैं, बट इस सेल में 12-13,000 के बजट में मिल रहे हैं एंड स्मार्टफोन्स काफी कमाल के फीचर के साथ मिलने वाले हैं। लाइक सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, OIS का सपोर्ट, 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी, प्रीमियम डिजाइन एंड 12GB की रैम एंड ऐसे ही बहुत सारे स्मार्टफोन्स में फीचर्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। तो दोस्तों, आपको समझने में आसानी हो इसलिए आपको बता दूं, सभी फोन्स को जो है रैंकिंग के अंदर पहले से ही ऐड कर दिया है। यानी सबसे पहले हम आखिरी यानी नंबर 5 से बात करेंगे एंड जाएंगे नंबर 1 तक एंड उसी में जो लिस्ट का सबसे आखिरी स्मार्टफोन आता है, यह है Realme का 12X 5G एंड Realme का Narzo 70X 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, दोनों फोन ही सेम ही है, दोनों की प्राइस भी लगभग सेम ही देखने को मिल जाती है, 12,000 के अंदर मिल रहा है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। वेल, क्या स्पेसिफिकेशन है आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जिसका सिर्फ 7.6 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट मिलता है। यानी स्मार्टफोन बहुत ही पतला और हल्का स्मार्टफोन है। खैर, IP54 का रेटिंग भी मिलता है, यानी हल्का फुल्का पानी के छींटे और दस्त से बचा लेगा। लुक एंड डिजाइन भी अच्छा स्मार्टफोन का मिल जाता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है स्मार्टफोन, जो कि Realme Wi-Fi 5.0 पर बेस्ड है। साथ ही में 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है। ऑल्सो स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 45W की सुपर वुक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। एक घंटे में स्मार्टफोन 0-100 चार्ज भी कर देता है, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप भी अच्छा है। सो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर 6.72 इंच की फुल HD+ वाली LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, जहाँ पर ऑल्सो 240Hz रिफ्रेश रेट एंड 915 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल स्मार्टफोन में मिल जाता है। तो डिस्प्ले पार्ट फोन का प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलेगा, जहां पर मेन 50 MP का है और वहीं पर 2 MP का डेप्थ सेंसर भी है। 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बाकी ये फोन जो है वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30fps फ्रंट एंड बैक दोनों से कर लेता है और फोटोज आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर अच्छे आ जाते हैं प्राइस के हिसाब से। डेफिनेटली कैमरा पसंद आएगा प्राइस के हिसाब से, सो नो डाउट कैमरा भी अच्छा है। इवन स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफी बढ़िया मिलता है। लाइक MediaTek Dimensity 6100+ वाला 5G चिपसेट यूज है फोन में, 6nm पर बेस्ड है, जो कि 4 लाख से ज्यादा एंतोतोस को निकाल के दे देता है। LPDDR4X RAM या Face 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ, तो हाँ डे टू डे यूजेस में दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग भी अच्छी लेवल की कर पाओगे। तो हाँ, प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर भी बढ़िया मिलता है। और अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 8128 के लिए 12,500 फोन की प्राइस अभी मिल रही है, बट सेल के दौरान आपको 11,500 के बजट में मिल जाएगा। और इस प्राइस में Realme का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते लिस्ट के आगे एंड अब जो अगला स्मार्टफोन आता है लिस्ट का 4th, यह है Redmi का 13 5G स्मार्टफोन। यह स्मार्टफोन भी एक काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। नॉर्मली स्मार्टफोन 13,500-14,000 के बजट में मिलता है, बट इस सेल में आपको 12,000 के आसपास मिल जाएगा और इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। खैर, क्या स्पेसिफिकेशन है आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन प्रीमियम ग्लास बैक के साथ आता है, जिसका प्लास्टिक का फ्रेम है, जहाँ पर 8.3 mm की थिकनेस भी मिलती है, 205 ग्राम फोन का वेट भी मिलता है। स्मार्टफोन का जो लुक और डिजाइन है बहुत ही अच्छा लगेगा, दिखता भी काफी अच्छा है, डेफिनेटली डिजाइन पसंद आएगा आपको। इवन IP53 का रेटिंग भी मिलता है। सबसे अच्छी बात, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, जो कि हाइपर OS पर बेस्ड है, 2 मेजर OS अपडेट्स, 4 सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ, तो ये चीज बढ़िया है। बाकी फोन में 3.5 का जैक, आयर ब्लास्टर, सिंगल बटन स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी वाइज देखने को मिल जाता है। इवन स्मार्टफोन 5030 mAh की बैटरी के साथ भी आता है, जहाँ पर 33W का फास्ट चार्जर यूज है। फोन 0-100 एक घंटे में चार्ज होता है फुल्ली, तो काफी फास्ट चार्जर भी है। सो हाँ, बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिलता है। स्मार्टफोन की अब डिस्प्ले की बात करें तो ये काफी बढ़िया और काफी बड़ा देखने को मिलता है, जो कि 6.79 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है,
जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जहां पर ऑल्सो 240Hz की टच स्पिल रेट भी है, 515 स्पीक ब्राइटनेस लेवल एंड कोलिंग गोला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओवरऑल काफी बड़ा डिस्प्ले है एंड अच्छा कलर्स भी प्रोड्यूस करता है, इवन काफी स्मूथ भी चलता है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। वेल कैमरास की बात करें तो ये काफी बढ़िया है, क्योंकि बैक में ड्यूल सेटअप है जहां पर मेन 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, प्लस सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, सेल्फी 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, फोटोस एंड वीडियो अच्छे आ जाते हैं फोन के। वहीं पर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात कर लेते हैं तो 1080p 30fps दोनों साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, यानी आगे पीछे दोनों साइड से। अब इस फोन का जो कैमरा है, फोटोस एंड वीडियो आप देख पा रहे हो अच्छे आ जाते हैं, डे लाइट में आपको अच्छे फोटोस निकाल के देगा, तो नो डाउट प्राइस के हिसाब से कैमरा बढ़िया मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, प्रोसेसर भी फोन का काफी बढ़िया मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोलकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 2 AE 5G चिपसेट यूज है फोन में, जो कि 4nm पर बेस्ड है, जिसका 440,000 प्लस एंटीटू स्कोर मिल जाएगा, जो कि एक काफी पावरफुल चिपसेट है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज भी है, सो प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, गेमिंग भी अच्छी लेवल की कर पाओगे, तो नो डाउट फोन का प्रोसेसर बढ़िया मिलता है। सो अब फाइनली फोन के प्राइस की बात करें तो 6128 13,250 रुपीस में मिल रहा है, जहां पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, और इस प्राइस में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, अब जो लिस्ट का अगला और नंबर 3rd पर स्मार्टफोन आता है, जो कि यहाँ पर दो स्मार्टफोन आते हैं, जो कि यह है वीवो का T3X 5G एंड IQ का Z9X 5G स्मार्टफोन। दोनों ही सेम फोन है, दोनों के फीचर्स भी सेम ही है, दोनों में सिर्फ ब्रांडिंग एंड डिजाइन का फर्क देखने को मिलता है, प्राइस भी लगभग सेम ही मिलती है, तो दोनों में से जो स्मार्टफोन सस्ता मिले उसकी तरफ जा सकते हो। वैसे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, प्राइस के हिसाब से ऑल राउंड फीचर ही आते हैं, वैसे क्या स्पेक्स है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर मिलेगा, जिसका सिर्फ सेंड पोर्ट 9mm की थिकनेस एंड 189g फोन का वेट मिलता है, यानी पतला स्मार्टफोन है, लुक एंड डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। सबसे अच्छी बात, IP64 का रेटिंग है, यानी अच्छा खासा पानी के छींटे और डस्ट से बचा लेगा फोन को। बाकी लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ड है। साथ ही स्मार्टफोन में 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और सबसे अच्छी बात, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि इस प्राइस में बहुत ही अच्छी बात है, एंड स्पीकर की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, लाउड है। सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन में 6000mAh की एक बड़ी सी बैटरी दी गई है, जहाँ पर 44W का फास्ट चार्जर है, यानी आराम से स्मार्टफोन 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे देगा, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप है। डिस्प्ले की बात करें तो ये भी एक काफी बढ़िया मिलता है, लाइक 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ आएगा, जहाँ पर 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, 1000 nits की पिक ब्राइटनेस लेवल भी है, और सिक्योरिटी के लिए साइड मटन फिंगर प्रोसेसर मिल जाता है। स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट अच्छा है प्राइस के हिसाब से, कलर्स भी अच्छे प्रोड्यूस करता है, लाइक आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। अब स्मार्टफोन की कैमरास की बात करें तो ये भी बढ़िया मिलता है, लाइक बैक में ड्यूल सेटअप है, जहां पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। खैर, जो दूसरा कैमरा है ये किसी काम का नहीं है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन का ये है कि बैक का कैमरा 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, यानी चाहे फोटो हो या फिर वीडियो, दोनों ही अच्छे आते हैं प्राइस के हिसाब से, डेफिनेटली फोन का कैमरा बढ़िया मिलता है। सबसे अच्छी बात, फोन का प्रोसेसर भी काफी पावरफुल यूज है, जो कि कोलकॉम स्नैपड्रैगन 6Gen 1 चिपसेट के साथ आता है, 5G वाला चिपसेट है, एंड फोन का जो एंटीटू स्कोर है 5.5 लाख से भी ज्यादा आता है, यानी गेमिंग काफी बढ़िया लेवल की कर पाओगे। बाकी स्मार्टफोन LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा, तो ओवरऑल स्मार्टफोन में बढ़िया लेवल की गेमिंग कर पाओगे, डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, नो डाउट प्रोसेसर बढ़िया मिलता है। अब फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 4128 12999 में मिल रहा है, पर 1500 रुपए का ऑल्सो कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा कई सारे बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर, यानी आसानी से स्मार्टफोन 11 से 11500 के बजट में खरीद पाओगे, और इस प्राइस में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, अब जो लिस्ट के अगले दो स्मार्टफोन है, ये लिस्ट के सबसे अच्छे एंड पावरफुल स्मार्टफोन है, जिन्हें 12 से 13000 के बजट में जरूर लेना चाहिए। वैसे इन स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो लिस्ट का अगला यानी नंबर 2nd पर स्मार्टफोन आता है, तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन है, जिसमें एक CMF का फोन 1 एंड एक Realme का P1 5G स्मार्टफोन आता है। दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन है, दोनों की प्राइस भी लगभग सेम ही है, और इनमें से जो स्मार्टफोन आपको पसंद आए उसकी तरफ जा सकते हो। वैसे हम CMF फोन 1 स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, अपने प्राइस में ओल्ड एंड फीचर के साथ आता है, क्या स्पेसिफिकेशन है आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 187 ग्राम फोन का वेट मिलता है। सबसे अच्छी बात, फोन का बैक जो है आप चेंज भी कर सकते हो, कई कलर्स में चेंज कर पाओगे जैसा आप देख पा रहे हो। और ये बैग चेंज करने के लिए आपको 1000 से 1500 रुपए का अलग से परचेस करना होता है। बाकी ओवरऑल लुक एंड डिजाइन में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन मिलता है। एवन स्मार्टफोन IP52 रेटिंग के साथ आता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ भी आएगा जहां पर नथिंग का OS 2.6 पर बेस्ड है, 2 major OS अपडेट्स और 3 security updates के साथ। सबसे अच्छी बात, फोन 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज के साथ आएगा, तो ये चीज बढ़िया है। बाकी हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, मोनो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 33 W का फास्ट चार्जर मिलेगा। बट एक दिक्कत है कि फोन में एडाप्टर नहीं मिलता, तो एडाप्टर आपको अलग से परचेस करना होगा। बाकी स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर काफी बढ़िया सा डिस्प्ले यूज है जो कि 6.67 इंच की फुल HD+ LTPS AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जहाँ पर 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, 240Hz ट्रिपल रेट भी दी गई है एंड ऑल्सो 2000 इंच की पिक ब्राइटनेस लेवल और सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगर प्रोसेसर के साथ आता है। तो अपने प्राइस में बहुत ही अच्छा एंड कमाल का डिस्प्ले मिल जाता है। नो डाउट डिस्प्ले काफी पसंद आएगा, कलर्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे। बाकी स्मार्टफोन की कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलेगा जिसमें मेन 50 MP का है, सोनी के IMX882 सेंसर के साथ EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी एक यूजलेस सेंसर मिलता है 2 MP का जो कि किसी काम का नहीं है। इसके अलावा 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बाकी वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मेन कैमरा 4K 30 FPS और फ्रंट का 1080 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। मेन कैमरा डे लाइट में अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, नो डाउट कैमरा आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा इस प्राइस में। प्रोसेसर की बात करें तो ये भी एक काफी अच्छा मिलता है जो कि MediaTek Dimensity 7300 5G वाला चिपसेट यूज है, 4nm पर बेस्ड है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग भी 40 FPS तक सपोर्ट करता है और डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छा चिपसेट है। फाइनली फोन के अब प्राइस की बात करें तो फिलहाल 6128 14800 रुपए में मिल रहा है, पर इस सेल में आपको 12500 के बजट में मिलने वाला है और इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का नंबर 1 एंड फाइनल लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन आता है, ये इस प्राइस में कंप्लीट फीचर ही लेके आता है एंड वन ऑफ द ओल्ड राउंडर फोन है जो कि पोको का X6 Neo 5G स्मार्टफोन आता है। ओवरऑल बहुत ही तगड़े स्पेक्स है, आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर ही मिलेगा जिसका सिर्फ 10 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फोन का वेट मिलता है। बाकी स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मिलता है। डेफिनेटली फोन का जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है काफी पसंद आएगा। IP54 का रेटिंग मिलेगा। खैर इसी के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ आता है फोन जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, 2 major OS updates, 4 security updates के साथ। बाकी 7 5G के बेंस मिलेगा, ऑल्सो आयर ब्लास्टर मिलेगा, सिंगल बटन स्पीकर, 3.5 का जैक और हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट भी करता है, जहां पर 33 W का फास्ट चार्जर मिलेगा, 0-100% 80 मिनट में फुली चार्ज होता है, तो बैटरी लाइफ एक दिन का आराम से मिल जाएगा और काफी फास्ट चार्ज भी हो जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये सबसे अच्छा मिलता है, लाइक सबसे पतले बेसल्स एंड 6.6 mm की फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है जो कि एक 10-bit डिस्प्ले है, जहां पर 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240Hz ट्रिपल रेट, कोलिंग गोला ग्लास 5 प्रोटेक्शन एंड अप टू 1000 इस पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है डिस्प्ले। साइड मटन फिंगर प्रोसेसर में मिलता है सिक्योरिटी वाइज। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट बहुत ही अच्छा है, कलर्स फोन में बहुत ही अच्छे मिलते हैं एंड बेजल्स भी बहुत ही पतले हैं फोन के। इस प्राइस में सबसे पतला बेजल्स है इस फोन का एंड वीडियो वगैरह देखने के लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी कैमरास की बात करें तो बैक में 2 setup है, जहां पर 108 MP का मेन मिलेगा EIS के सपोर्ट के साथ, बाकी 2 MP का माइक्रो मिलेगा, 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पर अगर फाइनल वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080p 30 FPS बैक एंड फ्रंट दोनों सपोर्ट करते हैं एंड जो फोन का फोटोज एंड वीडियो है अच्छे आ जाते हैं प्राइस के हिसाब से। बट सबसे अच्छी बात, प्रोसेसर फोन का बढ़िया मिलता है जो कि MediaTek का Dimensity 6080 वाला 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है, जिसका 4.5 लाख से ज्यादा एंतोजो स्कोर मिल जाएगा, LPDDR4XM या FS2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। ऑल्सो 8GB की फोन में वर्चुअल रैम भी मिलती है, यानी फोन का प्रोसेसर पार्ट काफी बढ़िया है, गेमिंग भी अच्छी लेवल की कर पाओगे, तो नो डाउट फोन का प्रोसेसर बढ़िया मिलता है। एंड अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 8128 12999 में मिल रहा है अभी के टाइम में, जहां पर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर सेल में 12000 के अंदर खरीद पाओगे और इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जरूर ले सकते हो।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे वो पांच सबसे बेस्ट लेटेस्ट एंड 5G स्मार्टफोन जिन्हें अभी के टाइम में 12,000 से 13,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी अब आप बताओ इनमें से अब कौन से फोन की तरफ जाना चाहोगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अगर आपका बजट ही कुछ और है तो इन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं आपको इन वीडियोस में।